Hello friends, the most awaited tool is here now in India which can beat ChatGPT and other AI chatbots. इसको मैं बहुत दिनों से इंडिया में सर्च कर रही थी बट लकीली अभी कुछ दिन हुआ है ये इंडिया में अवेलेबल है. बट इनिशियली ये सिर्फ USA और UK जैसे कुछ कंट्रीज में अवेलेबल था. बट हमारे लोग तो जुगाड़ू है ना, तो इंडिया और बाकी कुछ कंट्रीज के लोग इसको VPN के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे. So, the tool is Claude AI, which is developed by Anthropic. But, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो. आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ChatGPT और Claude AI में ऐसा क्या डिफरेंस है कि Claude AI को हम लोग ज़्यादा बेटर मानते हैं. So, welcome to our new episode, Education with Technical Skills, EduTech Skill के साथ. Let's discuss about its feature, benefit and differences between ChatGPT versus Claude. So what is Claude? ये एक language model जिसको develop किया गया है Anthropic के द्वारा with more advanced feature and more human value. So ये बाकी AI tool के comparison में ज़्यादा up to date है क्योंकि up to 2023 तक जितना internet data है उसी के ऊपर train किया गया है, तो इसका answer ज़्यादा accurate है और ये सबसे ज़्यादा advanced है. और इसका इनपुट कैपेसिटी 1 लाख टोकन्स मतलब अराउंड 75,000 वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा होता है. और ये रिलीज़ किया गया था 11 जुलाई 2023. इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है जो बाकी AI टूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं वो है अटैचमेंट. इसमें आप डॉक्यूमेंट को PDF, टेक्स्ट या CSV या कुछ और फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं और नीचे कमांड देके आप जो भी डाटा निकालना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को समराइज करना चाहते हैं या फिर उसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कमांड देके आउटपुट मिल सकता है आपको. चलिए हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं. सो सबसे पहले सर्च इंजन में सर्च कीजिए Claude AI, तो ऊपर वाला लिंक में क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिए. देन आपके सामने एक इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, देन आप अपना चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. अभी हम लोग 3 एग्जांपल के साथ देखेंगे कि Claude का आंसर क्या आता है और ChatGPT का आंसर क्या आता है. मैं ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सेटअप करके रखी हूँ, तो पहला वाला क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा. फिर भी ये पहला वाला क्वेश्चन, व्हाई हैज डिजिटल मार्केटिंग ग्रोन टू बी दिस ह्यूज कंपेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग. यहाँ पर मैं Claude AI में सेम क्वेश्चन को पेस्ट कर दी हूँ. देन हम लोग ChatGPT में भी उसी क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं. ये देखिए Claude का आंसर कैसे आया है. देर आर ए फ्यू की रीजन वाई डिजिटल मार्केटिंग ग्रोन सो मच कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे कि रीच, टारगेटिंग, एंगेजमेंट, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रैकिंग, ऑटोमेशन. सो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया है जैसे एक इंसान लिखता है, जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. अभी देखते हैं ChatGPT का आंसर. नो डाउट ChatGPT भी अच्छा आंसर दिया है और थोड़ा थोड़ा सिमिलर है. जैसे ये आंसर दिया है वाइडर रीच, कॉस्ट इफेक्टिव, डाटा ड्रिवन, इंटरैक्टिविटी, पर्सनलाइजेशन, ऑटोमेशन, ये सब सिमिलर टाइप का आंसर बहुत सारा आंसर आपको दिया है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है. ये वाला आंसर में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा. जब आप पर्सनल लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तब भी देखेंगे कि Claude का आंसर ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू ChatGPT. सो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये एक कंपनी का जो इंटरनल मैगजीन होता है उसमें डायरेक्टर का जो मैसेज आता है उसका फॉर्मेट तो सबका अलग अलग रहता है. तो सपोज डायरेक्टर कुछ मैसेज नहीं लिख पाया, अगर आप लिखना चाहेंगे बस उसमें कुछ पॉइंट्स जो हर महीने में चेंज होता है बट फॉर्मेट सबका सेम रहता है, तो उसी टाइप का एक फॉर्मेट मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ और इसमें कमांड डाली हूँ कि राइट दिस काइंड ऑफ एडिटोरियल फॉर दिस मंथ मंथली मैगजीन इंक्लूडिंग सम पॉइंट्स लाइक गणेश पूजा सेलिब्रेटेड एट ऑफिस, बिजनेस ग्रोथ, एनुअल मीट, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन, नेक्स्ट ईयर टारगेट डिस्कशन. अभी देखते हैं कि हम लोग दिस काइंड ऑफ एडिटोरियल लिख पाते हैं कि नहीं, और Claude का और ChatGPT का कंपेरिजन देखते हैं इस मैटर में. सेम क्वेश्चन को हम लोग ChatGPT में भी पेस्ट कर लेते हैं और ये देखिए Claude का आंसर.
पूरा सेम टू सेम काइंड ऑफ एडिटोरियल आपको दे दिया है, बस वही जो पॉइंट हम लोग लिखे थे उसी को थोड़ा एलैबोरेट किया है और लास्ट में जैसे फॉर्मेट में हम लोग दिए थे उसी फॉर्मेट में वो हम लोगों को एक एडिटोरियल प्रोवाइड कर दिया है। बट इसी प्रॉम्प्ट का आंसर देखिए चैट जीपीटी में कैसे दिया है, और चैट जीपीटी का आंसर कोई रिलेटेबल ही नहीं है। इसने मेरा जो एडिटोरियल था उसी को ही पेस्ट कर दिया है और लास्ट में बस मेरा जो पॉइंट था उसी के ऊपर वन लाइन ऐसे करके ऐड कर दिया है। सो इस मैटर में आपको पता चल गया होगा कि क्लाउड एआई कैसे वेस्ट है और वो आपके प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझता है इंसान जैसा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें मैं एक बहुत लंबा सा स्टोरी को समराइज करूँगी क्लाउड में और चैट जीपीटी में। तो देखिए दूसरे साइट में मैं बहुत लंबा सा स्टोरी को कॉपी कर ली हूँ और इसको क्लाउड में पेस्ट कर दी हूँ। ये देखिए जब पेस्ट कर रही हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लिया है और यहाँ पे हम लोग कमांड डाले समराइज दिस कंटेंट। वही सेम स्टोरी को हम लोग चैट जीपीटी में भी पेस्ट करते हैं और सेम प्रॉम्प्ट डालते हैं कि समराइज दिस कंटेंट। बट ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ चैट जीपीटी में, इसमें तो मेरा इनपुट ही नहीं ले रहा है और लिख रहा है द मैसेज यू सबमिटेड वॉज टू लॉन्ग, प्लीज़ रीलोड द कन्वर्सेशन एंड सबमिट समथिंग शॉर्टर। सो इसमें से आपको पता चल गया होगा कि चैट जीपीटी ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट नहीं ले पाता है बट क्लाउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट को भी वर्ड को भी लेता है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि चैट जीपीटी में बहुत लंबा सा कंटेंट आप डाल नहीं सकते, वेयर एज क्लाउड में बहुत लंबा भी कंटेंट हो वो आराम से रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्लाउड में हमें समराइज वाला स्टोरी मिल गया है और देखिए आराम से बहुत सिंपल वे में और छोटा सा कंटेंट आपको समराइज करके दे दिया। क्लाउड से जो समराइज कंटेंट हम लोग जेनरेट किए हैं उसी को दोबारा से चैट जीपीटी में पेस्ट करके देखते हैं कि वो समराइज करने के बाद कैसा आंसर प्रोवाइड करता है। बट देखिए यहाँ पे पेस्ट करने के बाद भी उतना ही कंटेंट है जितना हम लोग कमांड में डाले हैं, तो उतना कुछ खास रिजल्ट ये नहीं दे रहा है। कभी कभी चैट जीपीटी ऐसे ही काम करता है तो उस मैटर में क्लाउड अच्छा आंसर आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि क्लाउड को क्यों हम लोग बेटर मानते हैं। बट ये सब को छोड़ के चैट जीपीटी में भी ऐसे कुछ फीचर्स है जो कि क्लाउड में नहीं है, जैसे कि आप चैट जीपीटी में हिस्ट्री रिमूव कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा लैंग्वेज सपोर्ट करता है जो कि क्लाउड में सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करते हैं, और कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको चैट जीपीटी का ही हेल्प चाहिए होता है। सबका कुछ लिमिटेशंस होता है और एडवांटेजेस होता है बट दोनों अपने हिसाब से बेस्ट है। एंड द लास्ट वन इज अटैचमेंट। ये क्लाउड का एक सबसे बेस्ट फीचर है जो कि बाकी एआई टूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या टेक्स्ट या सीएसवी फॉर्मेट में अपलोड करके डाटा को समराइज या फिर प्रॉम्प्ट डाल के अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर और कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ली हूँ, एक स्टोरी अलिस इन वंडरलैंड, उसको पीडीएफ में मैं डाउनलोड की थी, उसको अपलोड करके समराइज करने के लिए कमांड डाली हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा समराइज रिपोर्ट आपके सामने है। तो ऐसे ही आप अपना लास्ट डॉक्यूमेंट को आराम से सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं। और एक स्पेशल फीचर है, एक्चुअली मैं ट्राई की थी बट यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊँगी, आप गूगल शीट का लिंक भी यहाँ पे डाल के सपोज़ एक शीट में आपका लोकेशन वाइज डिफरेंट डिफरेंट डाटा है तो उसमें भी आप लोकेशन वाइज काउंट का कमांड डाल के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और नीचे आपका काउंट आ जाएगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लाउड एआई। इन शॉर्ट अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है और क्लाउड 2 एंथ्रोपिक के द्वारा। ये लॉन्च हुआ 30 नवंबर 2022 और क्लाउड 2 का 11 जुलाई 2023। टोकन लिमिट चैट जीपीटी का 4096 और क्लाउड 2 का 1 लाख। विजुअल इनपुट इसमें चैट जीपीटी 3 में तो नहीं हो सकता, चैट जीपीटी 4 में आप इमेज जनरेट कर सकते बट क्लाउड में नहीं कर सकते। डाटा एनालिसिस में चैट जीपीटी 3 यूज डाटाबेस को प्रोसेस नहीं कर सकता बट क्लाउड 2 में
आप 100 ऑफ पेजेस भी आराम से रीड कर सकता है। लैंग्वेज में ChatGPT 3 में 90 प्लस लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, बट क्लॉड में ओनली फ्यू लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, 10 प्लस है, बट अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ChatGPT 3 में अप टू 2021 का इंटरनेट डाटा है, बट क्लॉड में 2023 तक अप टू डेट डाटा है। क्लॉड AI का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी नॉलेज पाने का पूरा अधिकार है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।